नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गरोंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट दोस्त रुचि गुप्ता आपका वेलकम करती हूँ। और आज हमारे साथ है मीरा जी। हेलो मीरा जी। हाय। ये आपको बताऊँ फ्रेंड्स, ये मेरी टीचर भी रह चुकी है, मैंने इनसे कुकिंग सीखी है, तो ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। सबसे बड़ी बात है, बनाते तो बहुत है, ये सिखाती भी बहुत अच्छा है। तो मैम, ये आपका कुकिंग का कब से सिखा रहे हैं आप? मैं 2009 से रन कर रही हूँ। ओके। तो आप मतलब गर्ल्स को, लेडीज़ को, सबको? हाँ, मेरा तो बॉयज़ को भी है। अच्छा। बॉयज़ यूनिसेक्स है। ओके। हाँ, मैं सबको सिखाती हूँ, बॉयज़ को, जेंट्स, जो कोई आना चाहे। जो कोई आना चाहे। हाँ, दे आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। ओके। और मैम, आप क्या क्या सिखाती हैं कुकिंग में? मैं कुकिंग में सिखाती हूँ पूरा थ्रू आउट वर्ल्ड की कुजीन सिखाती हूँ। ओके। पूरा बेकरी है, बेकरी में जैसे केक्स हो गया, ब्रेड्स हो गए, ऑल टाइप्स के पैटीज हैं, क्रीम रोल्स हैं, पिज़्ज़ा बेस हैं, बंस हैं, आइसक्रीम्स हैं, सभी चीज़ सिखाती है। सब्जी वगैरह, डेजर्ट वगैरह, सब डेजर्ट, सैलड्स, ईच एंड एवरीथिंग, ड्रिंक्स हैं, अचार हैं, सारा सिखाती हूँ, लेकिन स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है मेरा। ओके। तो आप वेजिटेरियन में कुछ भी मॉकटेल्स बनाना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो वो सबका सोल्यूशन आपको मीरा जी के पास चलेगा। आपका किस नाम से है मैम? मेरा व्यंजंदा कुकरी क्लासेस के नाम से है और माई सेल्फ शेफ मीरा रसोई। ओके। तो वो आप शेफ भी हैं? हाँ, क्योंकि आपने मतलब एग्जाम्स मैंने क्लियर करे हुए, क्लियर करे हुए हैं, तो आप शेफ भी हैं। हाँ, मेरा गढ़वाल शेफ एसोसिएशन के साथ टाई अप है। वैसे मेरी ये गवर्नमेंट एकेडमी है, गवर्नमेंट एफिलिएशन है मेरी एकेडमी को, व्यंजन एकेडमी को। ओके। हाँ, और मैम, एक आपने चैनल भी शुरू किया है? हाँ, मैंने शुरू किया है सेम नेम से, व्यंजन द कुकरी क्लासेस के नाम से शुरू किया हुआ है। उस पर मैं मल्टी कुजीन रेसिपीज डालती हूँ और जिसको जो पसंद होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देती हैं, फिर मैं वही रेसिपीज उस पर डालती हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने भी देखी हुई है और मैंने ट्राई भी की है, तो जो मैम का तरीका होता है बताने का वो बहुत ही इजी होता है, और ये प्रोफेशनल है तो आपको एक प्रोफेशनल तरीके से ही बताएंगे कि ऐसे करना है, तो जो कि हम लोग नॉर्मल वे में नहीं बता पाते। तो मैम बिल्कुल आप ज़रूर इनका चैनल देखिए, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप उसमें से, और आपको कोई डिश का आपको चाहिए रेसिपी तो आप मैम को कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैम आप ज़रूर बताएंगे उसे? हाँ हाँ, ज़रूर बताऊँगी, मुझे अच्छा लगेगा बताना। हाँ। और फ्रेंड्स, और मैम के चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको उस पर एक से एक रेसिपी की वीडियो मिलेंगी जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मैम, मैं मीरा जी, हमने सुना है कि आप मतलब ऑर्डर पर भी सामान बनाते हैं? मैं ऑर्डर पे बनाती हूँ, एगलेस केक्स बनाती हूँ जो मेरी स्पेशलिटी है। अच्छा। किसी भी तरह के केक्स आप चाहते हैं वो सब बनेंगे, चॉकलेट्स, होममेड चॉकलेट्स का मेरा है बिजनेस, बहुत अच्छा चलता है, और कुकीज़ वगैरह भी मैं ऑर्डर पे बनाती हूँ। ओके। मैम, जैसे आजकल केक हैं कि बच्चों को मतलब एक डिज़ाइनर केक चाहिए। हाँ। तो आप वो सब डिज़ाइनर पर कर देते हैं, उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देते हैं? हाँ, कस्टमाइज केक ऑर्डर पे लेती हूँ, जैसे फंडेंट केक हो गया, पिक्चर केक हो गए, फुल मेकअप केक्स आजकल चल रहे हैं, किड्स केक्स हैं, जेल केक्स हैं, ट्रफल हैं डिफरेंट टाइप के, चॉकलेट केक्स हैं, वाइट फॉरेस्ट है, जैसे हर तरीके केक्स मैं ऑर्डर पे बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप वेजिटेरियन हैं, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं, तो आपको बाहर के केक मंगाते हुए हमें लगता है कि शायद इसमें एग ना हो, हम खाएं ना खाएं, तो मैम खुद ही वेजिटेरियन है तो आपको बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन ही केक मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पार्टी कर रहे हैं, हमें कुकीज़ चाहिए विदाउट एग की, तो वो आप ऑर्डर पर बना? हाँ, मैं ऑर्डर पर बनाती हूँ और बहुत रीज़नेबल प्राइस पर बनाती हूँ मार्केट से। अच्छा, रीज़नेबल। हाँ। और मैम, ये कितने दिन पहले ऑर्डर देना होगा हमें? कम से कम कुकीज़ वगैरह के लिए तो आपको एक वीक पहले देना होगा। ओके। चॉकलेट्स के लिए 2 दिन पहले, केक के लिए भी 2 डेज पहले मुझे ऑर्डर कर सकते हो, या 1 दिन पहले, तो मैं आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर सकती हूँ। ओके। तो मैम, जैसे आप फेस्टिवल पे बनाती हैं या नहीं? मेरा तो रेगुलर है। रेगुलर, हम आपसे कभी भी बना सकते हैं? कभी बनवा सकते हैं। ओके। और मैम, और क्या क्या मतलब पेस्ट्री होगी जैसे? और हाँ, पेस्ट्रीज हैं, जैसे केक्स हो गए, पेस्ट्रीज आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो सब मैं बनाकर दे दूँगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चॉकलेट्स डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे मार्बल चॉकलेट है, प्लेन चॉकलेट है, स्टफिंग वाली चॉकलेट्स हैं, रमबॉल्स हैं, ये सब मैं ऑर्डर पे बनाती हूँ। पुडिंग्स हो गए, जैसे छोटे छोटे ग्लासेस में इतने इतने से जो कप्स होते हैं उनमें सर्व होती हैं, वो सब बनाकर ऑर्डर पे देती हूँ। ओके। तो फ्रेंड्स देखिए, कितनी मल्टी टैलेंटेड है, मतलब कुकिंग में ये पूरी परफेक्ट है, आप ऑर्डर पर भी बना सकते हैं। आपको कुकिंग सीखना हो तो मैम, जैसे आजकल जो लड़कियां होती हैं, मतलब जब गर्ल्स होती हैं या बॉयज़ होते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है कि
हम लोग नॉर्मली हमने तो बचपन से करा है, वो लोग बचपन से नहीं करते। अगर आपके पास एक बिल्कुल अननोन लड़की आए, मतलब होता है कि मैरिज वाने वाले तो घर का प्रेशर होता है, नहीं तुम कुछ बनाना सीखो, तो वो ट्रेंड हो जाती है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। एक दिन में एक रेसिपी बहुत अच्छे से मैं सिखा देती हूँ, फिर मैं उन लोग को बोलती हूँ कि आप घर जाके ट्राई करिए, और उनको इतना मजा आता है मेरे पास कि वो कहीं और जाना पसंद नहीं करते। लाइक कुकिंग का जो होवा होता है वो उनके दिमाग से निकल जाता है। उन लोग को इतना बढ़िया लगता है मेरे पास आके, और वो हमेशा मेरे पास ही आना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी, नहीं ये तो मुझे भी है, क्योंकि मुझे एक बेकिंग का होवा था कि मैं शायद बेक बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, कभी नहीं कर पाऊँगी, पर मैंने मैम से केक सीखा था और उसके बाद मेरा जो होवा था वो ख़त्म हो गया और मैं बेक कर लेती हूँ, अच्छे से कर लेती हूँ। तो आप भी फ्रेंड्स, एक तो सबसे पहले मैम के जो चैनल है व्यंजन द कुकरी, उसको सब्सक्राइब करिए, उस पर वीडियोस देखिए। और यदि आप कुकिंग सीखना चाहते हैं, आप किसी भी एज के हो, मैम अगर कोई 50-60 का हो तो वो भी इजीली सीखते हैं। मेरे पास तो आते हैं, अभी एक लेडी आएंगी, शी हैज़ क्रॉस्ड हर 65 ईयर्स। ओके 65। हाँ तो उन्होंने मुझे कॉल किया था, उन्होंने किया था मुझे मोहकमपुर से कि आई वॉन्ट टू कम इन योर कुकिंग क्लासेस, कैन आई कम। मैंने कहा मैम आप श्योर आ सकते हो। उन्होंने कहा बेटा मैं बहुत एज की हूँ, मेरे को कोई बात नहीं आंटी। और यहाँ पर हैं ऊपर होम्योपैथी के जिनके शॉप है ना, पाहवा, डॉक्टर पाहवा, उनकी वाइफ ने सीखी थी, वो 75 ईयर्स की हैं। ओके तो फ्रेंड देखिए, उन्होंने सीखा था। सीखने की कोई एज नहीं होती है कि आप, अगर आप ग्रैंड मदर बन चुकी हैं तब भी आप बना सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को यही पसंद है। और कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। हाँ, सही बात है, अगर आपने पेट को जीत लिया तो दिल को तो अपने आप ही जीत लेंगे। दिल को जीत लेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स आप किसी भी एज में हो, आप ज़रूर मीरा जी के पास आइए और कुकिंग सीखिए। आप कुछ वेजिटेरियन में कुछ खा, मतलब लेना और केक वगैरह पसंद करते हैं, पर आप बाहर के लिए से डरते हैं, और कुछ कोरोना में हमें ये लगता है कि मतलब हमें कहीं घर की चीज़ मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ ज़्यादा बेस्ट है वो। तो आपका इन सब प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, मीरा जी व्यंजन द कुकरी। तो क्लासेस, व्यंजन द कुकरी क्लासेस, और आप इनसे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, कुकीज़ का, पेस्ट्री, पेटीज़, और भी वॉट एवर यू वॉन्ट। तो आप उनके पास ज़रूर जाइए और मैम को एक बार उनकी जो रेसिपीज़ वीडियो हैं वो भी चेक कीजिए कि वो कैसी हैं, क्या हैं। और आपको कुछ स्पेशली चाहिए तो आप उनको ऑर्डर, मतलब कमेंट करिए कि मैम आप प्लीज़ इसकी वीडियो डालिए, तो मैम ज़रूर उसको फुलफ़िल करेंगी। हाँ वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई मुझे कहता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तुरंत शूट करके डालती हूँ उनकी वीडियोज़ को। हाँ जी हाँ, अभी कुछ लोगों की डिमांड आई है कि मैम हरा भरा कबाब डालिए, तो अब मैं उसकी शूट करूँगी, फिर वो अपलोड करूँगी एक दो दिनों में। हाँ जी, तो फ्रेंड्स ज़रूर आप भी हरे भरे कबाब की वीडियो चेक कीजिएगा। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा रंधवा का, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। और या आप और क्या देखना चाहते हैं रंधवा में, प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू मीरा जी, थैंक यू सो मच।